सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने केंद्र के मोदी सरकार एवं प्रदेश की जयराम सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए रोहतांग टनल पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि जिस टनल के उद्घाटन को लेकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार बाहवाही लूट रही है, इस टनल को प्रदेश में लगाने और इसके लिए बजट का प्रावधान करने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। 28 जून 2010 को उस समय यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने रोहतांग टनल का शिलान्यास किया था। शिलान्यास समारोह के दौरान उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय रक्षा मंत्री एके एंटनी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री टनल का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे और केवल मात्र अपना और भाजपा सरकार का गुणगान करते रहे, तमाम बातों को देखकर बड़ी हैरानी देखने में आई। जबकि टनल का शिलान्यास किसने किया, ये सपना किसने बुना, इस बात को भाजपा और कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता जानते हैं। प्रदेश की भोली भाली जनता भी जानती है। लेकिन जिस तरह से इस टनल के नाम पर भाजपा सरकार राजनीति करके अपना नाम चमका रही है, ये सहन नहीं होगा। राजनीति करने के साथ साथ जिस तरह से यूपीए अध्यक्षा के नाम की शिलान्यास पट्टिका को रोहतांग टनल से गायब कर दिया गया, ये बात शर्मनाक है। भाजपा पार्टी का शिलान्यास पट्टिका गायब करने का पुराना रिकॉर्ड है। पहले भी इस तरह के कई बार कार्य भाजपा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर चुके हैं। लेकिन इस बार जो यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को गायब किया गया है, अगर आने वाले 2 सप्ताह के भीतर ये पट्टिका वहां पर न लगाई गई तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। विधायक ने कहा कि इसके लिए हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक एवं अन्य उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर शिलान्यास पट्टिका लगाने की मांग की है। अगर समय रहते ये लग जाती है तो ठीक, नहीं तो इसका विरोध पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सत्तासीन भाजपा सरकार की होगी। विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अगर अपने संवाद में पुरानी सरकारों का नाम भी साथ में लेते और कहते कि इस रोहतांग टनल में पूर्व में रही सरकारों का भी योगदान है, तो इस बात को पूरा प्रदेश सम्मान पूर्वक लेता। लेकिन अफसोस, हर बार की तरह केवल झूठी बातें प्रधानमंत्री के सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में मनाली से लाहौल के लिए जो टनल का निर्माण हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण टनल थी और ये पर्यटन की दृष्टि से भी और लोगों की आवाजाही के भी लिए, क्योंकि लोगों को सर्दियों में जो है वो जब बर्फ पड़ जाती थी तो स्वाभाविक है कि रोहतांग का जो पास है वो बंद हो जाता था। परंतु जहाँ तक इस टनल का प्रश्न है, 2010 में 28 जून को जो है श्रीमती सोनिया गांधी ने, उसमें जो यूपी की अध्यक्ष थी, उन्होंने इसका शिलान्यास किया और अब ये टनल जाके कंप्लीट हुई है। ये ठीक है कि ये जो टनल है इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सपना देखा, उन्होंने इसके लिए बहुत सारा प्रयास किया, उसके बाद अटल जी ने प्रयास किया और इसके निर्माण में जो है वो श्री मनमोहन सिंह जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे यूपीए सरकार के UPA 2 में, उसमें जो है इसके लिए बजटरी प्रोविजन हुआ और इसका शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी ने रखा। उस समय जब शिलान्यास रखा गया तो तत्कालीन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे, राजा वीरभद्र सिंह जी और रक्षा मंत्री जो थे एंटोनी, वो भी उस शिलान्यास में शामिल हुए और अब जाके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया और 1500 करोड़ रुपए का उस समय भी प्रोविजन किया गया। बड़े अफसोस की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री आए और प्रदेश के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी और प्रधानमंत्री जी का टोटल जो भाषण रहा, जो उनकी स्पीच रही, वो सारी की सारी पिछली सरकारें जो थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकारें थी, उनको कोसने में चला गया। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों, जिनको प्रधानमंत्री से उम्मीदें थी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे हिमाचल से बहुत प्रेम है, मैं वहाँ पर प्रभारी भी रहा, परंतु जब जब देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए, तब 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 जो है हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया, कोई पैकेज नहीं दिया गया, कोई विशेष कोई योजना नहीं दी गई, मुझे लगता है कि लोगों में निराशा हुई। और दूसरा, उनका सारी स्पीच जो है वो यूपीए सरकार या कांग्रेस सरकार को कोसने में चलेगी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है
कि जो टनल का उद्घाटन हुआ उस समय जो श्रीमती सोनिया गांधी के हाथों से इसका शिलान्यास किया गया था, उस पट्टिका जो थी, शिलान्यास की पट्टिका जो थी, वो ही वहां से गायब कर दी गई, उसको हटा दिया गया। ये प्रथा ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये कोई स्वच्छ संकेत नहीं है कि अगर किसी ने शिलान्यास किया उस पट्टिका को आप जो है हटा दो। ये पहला उदाहरण नहीं है, हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे उदाहरण हैं। और अभी प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री कुलदीप राठौर जी, उन्होंने भी कहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो ऐसा शिलान्यास किया जाए, इसका जो शिलान्यास की पट्टिका है उसको दोबारा लगाया जाए। और DGP को, चीफ सेक्रेटरी, सभी को उन्होंने पत्र लिखे हैं और अगर नहीं लगाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो है वो प्रदर्शन करेगी, विरोध करेगी और धरना प्रदर्शन भी करेगी और एजिटेशन भी करेगी। मुझे लगता है कि सरकारों को ऐसी हल्दी परंपराएं जो पहले से चलती आ रही हैं उनको कायम रखना चाहिए। और कम से कम जयराम सरकार से तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार जो है इस तरीके से पट्टिका को हटाएगी। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में कई पट्टिकाएं हटा दी गई हैं, कुछ पट्टिकाएं तोड़ दी गई हैं और कई पट्टिकाएं को गायब कर दिया गया। ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। इसलिए मेरा भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि सरकार से भी निवेदन है कि इस परंपरा को कायम किया जाए और जो पट्टिका थी वहां उसको लगाया जाए। और इस तरीके से कि ये कहना कि सारा काम BJP ने किया है, जबकि 45% काम 2014 तक जो है कंप्लीट कर लिया गया था, 1500 करोड़ रुपए का प्रोविजन हुआ था। ये ठीक है कि अगर प्रधानमंत्री ये बात कहते कि पिछली सरकारों का योगदान रहा और उस जो उन्होंने काम शुरू किया था उसको हमने मुकम्मल किया और ये जो टनल है प्रदेश की जनता को और हिमाचल प्रदेश के लोगों को समर्पित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रदेश के लोग इस बात की तारीफ करते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और ये पट्टिका जो वहां से गायब की गई, हटाई गई जानबूझ के, मुझे लग रहा है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से फिर ये कहते हैं कि प्रदेश का माहौल खराब ना हो, लोगों में विश्वास जो है बना रहे। और इसी वजह से सरकार को चाहिए कि इस पट्टिका को लगाया जाए और जो कुलदीप राठौर जी ने कहा है और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, सरकार को इस पर विचार करके इसको दोबारा लगाना चाहिए।